हेलो तो बर्ड लवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सभी के बर्ड्स अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे और हेल्दी होंगे। तो देखो भाई लोग, ये अपने वाले कबूतर है, अभी हम इनको छोड़ेंगे और ये बकरी का बच्चा भी इधर है जो कि कबूतर के साथ चरेंगे अभी। तो अभी यश भाई कबूतर छोड़ेंगे ये वाले, और आप देखो कबूतर कैसे छोड़ते हैं। तो हम अभी यश भाई कबूतर छोड़ रहे हैं ये वाले अपने वाले, तो आप देखो पूरे कबूतर। यश भाई ने अभी फाटक खोल लिया है, अपने कबूतरों का गेट खोल दिया है। अभी गेट के अंदर से कबूतर अपने बाहर आएंगे। ये सिराजी का पट्टा बाहर आ गया है पहले, तो ये अपने उड़ानों के कबूतर भी बाहर आने चालू हो गए। अभी देखो भाई लोग, अपने वाले पट्टे भी निकल चुके हैं तीनों, और अपने अभी यश भाई अभी कबूतर पूरे छोड़ रहे हैं हाथ से निकाल निकाल के। देखो भाई लोग, अभी यश भाई अपने वाले कबूतर छोड़ रहे हैं हाथ से निकाल निकाल के। ये देखो एक ललसरा छूट गया है, और ये बकरी भी इसके अंदर आ रही है बीच में। इस बकरी को हम बांध देते पहले तो अंदर जाके। ओके तो भाई लोग, अभी यश भाई नीचे के कबूतर छोड़ रहे हैं, जो अपनी दो खन्नी है नीचे की, उसके अंदर के कबूतर छोड़ रहे हैं। तो उसके अंदर भी कबूतर अपने वाले हाई फ्लायर कबूतर है। और देखो भाई लोग, अपने कबूतर को दाना नहीं डाला तो भी नीचे के दाने खा रहे हैं ये कबूतर अपने वाले। और इसको भी अपन ने बांध दिया है, ये भी बकरी का बच्चा मैं कर रहा है अभी। ये तो मैं कर रहा है वे, इसको छोड़ना पड़ेगा लगता है मेरे को तो, नहीं तो ये अपने को क्या जान दे, इसको इग्नोर मारते अपन। आप देखो अपने वाले कबूतर, अपने कबूतर का शोक करो भाई लोग अपन। ये देखो भाई लोग, ये बबरा कबूतर है, ये पानी पी रहा है अभी। और देखो यश भाई ने अभी दाने भी डाल दिए इधर नीचे में। ये देखो कलसरी मारी नु अपनी वाली, पंख फड़फड़ा कर रही है, इसके कैंची मार के रखी हमने। और ये देखो खा रहे हैं अपने वाले कबूतर दाना। ये रहा अपना खोका, दो खाने का, अपना दो खाने का है नीचे का, और ऊपर का छह खाने का है। देखो भाई लोग, अपने वाले कबूतर अभी दाना खा रहे हैं, और अभी उनको पानी का टप के अंदर का भी हमको सफा करना लगता, क्योंकि ये टप का पानी भी बहुत दिनों से बदला नहीं हमने। टप का पानी बदल देते पहले तो हम। देखो भाई लोग, अभी यश भाई टप का पानी फेंक रहे, इधर ही फेंकेंगे नीचे। तो देखो फेंक डाला यश भाई ने टप का पानी। अब हम इसमें रिफिल करेंगे, इसको नया पानी रिफिल करेंगे इसके अंदर हम। ओके तो भाई लोग, अभी यश भाई वापस से धो रहे हैं पानी को। अभी हाथ से हम इसको थोड़ा सा घसेंगे और इसका जो पानी है वो फेंक देंगे। और हमारे पास अगर आपके पास अगर ब्लीचिंग पाउडर या फिर पानी में डालने की कुछ दवाई होंगी, जैसे वाइमेरॉल ये होगा पानी सफा करने के लिए, जो पोटेशियम परमैंगनेट ये होता है उसको आप डाल सकती इसके अंदर। ओके तो भाई लोग, अभी वापस से भाई पानी रिफिल कर रहे हैं इसके अंदर। और ये देखो भाई लोग, अभी पानी का रंग देखो कैसा ताज़ा दिख रहा है, मतलब वाइट वाइट हो गया है पूरा पानी। पहले उसने पानी डाला था तो पूरा वो मैला मैला सा हो गया था, अब देखो भाई लोग पूरा साफ किया हाथ से तो इतना फर्क गिरता है। और दो तीन भरने डाल दिए इसने, क्या बस हो गया हमारा पानी अपना फिल। ये जो अपना वाला टब है इसके अंदर पानी अभी हो चुका है फिल। और ये देखो भाई लोग, कबूतर भी अपने पानी पीने को आ चुके हैं। ये देखो भाई लोग, अपने कबूतर पानी पी रहे अभी। और उसने पानी ला लिया अभी यश भाई ने, वो डाल रहा है अभी पानी उसके अंदर। और उसका जो भरना है वो भी फूटा है, आप देख सकते हो उसका भरना भी फूट चुका था। देखो तो भाई लोग, अभी कबूतर अपने पानी पी रहे हैं, और अपना वाला जो पानी का जो ऊपर का जो लकड़ा है वो भी रखेंगे अपन इसके ऊपर। ओके तो भाई लोग, ये देखो अपने कबूतर अभी, इसकी आपको ब्रीडिंग भी दिखाऊंगा, मतलब इनके वाले जो अंडे दिए इन्होंने वो भी दिखाऊंगा, मतलब कि अपने यहाँ पे ब्रीडिंग भी इन्होंने चालू कर दी है। ये देखो भाई लोग, यहाँ पे ललसरा एक बैठा हुआ है जिसने अंडे ले कर दिए अभी फिलहाल में, तो इसके पास एक ही अंडा है। ओके तो भाई लोग, अभी ये दूसरा जोड़ा है, इसके पास भी अंडे ले चुके हैं। ये देखो इसने भी दो अंडे दे दिए। और ये जो अपना लकड़ा ये भी यहाँ से निसट गया है, यानी निकल गया है यहाँ से दरवाजे का। और यहाँ पे एक कलसरी का जोड़ा है, ये कलसरी मादी ने इसकी वाली नर की, इसने भी अंडे ले कर दिए अभी फिलहाल में तो।
ये देखो भाई लोग, इसके पास भी दो अंडे, कलसरी का जोड़ा है ये वाला। और ओके तो भाई लोग, ये अपनी वाली घर की ब्रीडिंग थी। और आज के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू अगेन भाई लोग। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.